और इन्हीं के कारण इनका रिच बढ़ा, ये वायरल हुए 12 लाख प्लस व्यूज 1.2 मिलियन। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पटना वाला शुभम। आज हम आए हैं विशाल भैया से मिलने, तो चलिए आपको मिलाते हैं फिर इनसे। हेलो एवरीवन, तो शुभम भाई आए हैं आज मुझसे मिलने और ब्लॉग्स बनाते हैं शुभम भाई, और बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैंने देखे हैं इनके चैनल पे। तो आज हम लोग कुछ बात करेंगे, अगर आपको पसंद आए, एक्साइटिंग लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, हेल्पफुल लगे, तो इनके चैनल को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, उनके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और आगे भी अगर टाइम लगा तो हम मिलते रहेंगे। सो सीजीएल मेंस के रिगार्डिंग मेरा कुछ क्वेश्चन है भैया से, कि अभी हम फर्स्ट अटेम्प्ट में टायर वन क्लियर किए हैं, आई गॉट 148 नॉर्मलाइज स्कोर। सो मेंस के लिए हमको फोकस करना चाहिए या टायर वन जो नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग करना चाहिए हमको? ओके, तो कैटेगरी तो यू आर ही है ना? हाँ, यू आर EWS। अच्छा, तो अगर 148 है और EWS अगर कैटेगरी है तो सिलेक्शन में काफ़ी अच्छे चांसेस हैं। और अभी आज है 18 दिसंबर और एग्ज़ाम होने वाला है टीयर टू 28 जनवरी को, यानी तकरीबन 1.5 महीने का वक्त है। तो अगर सिलेक्शन का 1% चांस भी कहीं अगर दिखता है तो उसको अच्छे से ग्रैब करना चाहिए, और यहाँ तो काफ़ी अच्छा चांस है। अगर 148 मार्क्स हैं तो काफ़ी अच्छे मार्क्स हैं। तो मेरा सजेशन यही है कि 2021 के बारे में अभी ना सोचते हुए, अभी फिलहाल जो टीयर टू होने वाला है उस पर ज़्यादा फोकस करने का, मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, प्रैक्टिस है, वो प्रचुर और प्रचंड मात्रा में करें ताकि जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। और बस यही, बट मेरा एक क्वेश्चन है, लाइक मैथ्स में मेरा मार्क्स इम्प्रूव नहीं हो रहा, लाइक आई एम गेटिंग 110 मार्क्स एवरेज। ओके, तो और इंग्लिश में क्या? इंग्लिश 150-160 आई गॉट। देखिए, एक बात मैं बताता हूँ कि बहुत लोग ना ऐसे, हम लोग क्या करते हैं ना, यूट्यूब हम लोग सब लोग देखते हैं और यूट्यूब देख के हम लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने एक ऐसे टॉपर का इंटरव्यू देखा जिसको मैथ्स में मान लीजिए 192 मार्क्स आए थे पिछले बार, ठीक है, और एक ऐसे इंसान का इंटरव्यू देखा जिसको इंग्लिश में आया था 192, एक को मैथ्स में आया था एक को इंग्लिश में। वो लोग अपने मैथ्स वाला जो कैंडिडेट है वो अपने इंग्लिश के मार्क्स बताएगा भी नहीं, और दूसरी तरह जैसे जो इंग्लिश वाला जो कैंडिडेट है वो अपने मैथ्स के मार्क्स बताएगा नहीं, और वो अपना जिसमें अच्छा स्कोर था सिर्फ वो हमारे सामने रखते हैं। और हम लोग क्या करते हैं ना कि हम लोग टारगेट बना लेते हैं, इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि दोनों में हम लोग मैथ्स और इंग्लिश दोनों में 192 हम लोग ले आए, 190 प्लस ले आए, ये हम लोग एक गलत सा टारगेट सेट कर लेते हैं। तो हर एक इंसान की कैपेबिलिटी अलग होती है, उसको पहचानना होता है। अब जैसे कि ये भाई तो इंग्लिश से ज़्यादा बेहतर है, मैथ्स थोड़ा वीक है, तो मैथ्स को इम्प्रूव करने की कोशिश करनी है, लेकिन साथ ही साथ इंग्लिश पे भी ध्यान देना है। कोशिश करना है कि इंग्लिश का स्कोर अगर 180 प्लस चला जाए, और मैथ्स में ऐसा नहीं कि तुमको 190 जाना है, मैथ्स में अगर 150 भी तुम पहुंच गए तो भी तुम सेफ जोन में हो, ठीक है। तो इसलिए बैलेंस करके चलो, और जितना मैथ्स में एफर्ट कर सकते हो उतना ही करो। ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है कि मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, 190 नहीं आ रहा है, 190 नहीं आ रहा है, पागल हो गए उस चक्कर में। ये गलती नहीं करनी है, ये गलती हालांकि मैक्सिमम लोग करते हैं क्योंकि वो इस तरह का रिसर्च नहीं करते हैं कि उनको एक्चुअल उनके हिसाब से क्या बेस्ट स्कोर है। अगर वो डिसाइड कर लें तो फिर परेशान होने की कोई बात नहीं, चाहे मार्क्स कम ही क्यों ना आ रहे हैं। नेक्स्ट एक मेरा क्वेश्चन रहेगा भैया से, जो SSC से पर्टिनेंट तो नहीं है बट मोस्ट प्रोबेबली थोड़ा सा है रिलेटेड। भैया, अभी फेस्टिवल सीजन आ रहा है, लाइक क्रिसमस, मकर संक्रांति, न्यू ईयर, तो ये न्यू ईयर में है तो 3 दिन का बट जनरली 1 वीक का हैम्पर हो जाता है पढ़ाई, तो उसको ओवरकम कैसे करेंगे? तो ये तो कम्प्लीटली रेलेवेंट है SSC हो, लेकिन हर एग्जाम के एस्पिरेंट के लिए ये रेलेवेंट क्वेश्चन है। देखिए, गैप तो बीच बीच में आते ही रहता है, अभी ये तो फेस्टिवल वाले अलग गैप्स हो गए। अब मान लीजिए कि ऐसा भी हो सकता है कि वैलेंटाइन डे आ गया, हाँ, या फिर गर्लफ्रेंड को कहीं घुमाना है 2 दिन के लिए, तो गैप तो आ जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और कई बार ऐसा होता है कि ऑब्लिगेटरी गैप्स होते हैं, लाइक मान लीजिए कि घर में आपकी ज़रूरत है, वहाँ आपको होना है, एनी हाउ कोई ओकेजन है, या फिर किसी तरह की ज़रूरत है, किसी को तबीयत ख़राब है तो आपको जाना है, ठीक है। तो क्या है ना कि कोई भी इंसान जो है वो 100% बिल्कुल A to Z एक एक सेकेंड कैलकुलेशन नहीं करता है, गैप सबके रूटीन में आते ही हैं, क्योंकि हर सबको इंसान ही है ना भाई, कोई इंसान मतलब कम्प्लीटली कट के आप कितना रह सकते हो, बीच में ज़रूरत पड़ता ही है, ठीक है। तो सबसे पहले तो इस चीज़ को डिस्टर्बेंस आपको नहीं मानना है, इसको आपको रूटीन का पार्ट मानना है कि ऐसी चीज़ होता है, सबके साथ हो रहा है, मेरे साथ भी हो रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो रूटीन में ब्रेक लगना बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है उस ब्रेक के बाद वापस उसी इंटेंसिटी के साथ आना, जो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं। क्या होता है कि वो सही से पढ़ रहे हैं, बीच में गैप आ गया 2 दिन का, उनको वो बहाना बना लेते हैं, मेरा तो रिदम ही ब्रेक हो गया, आप तो मन नहीं लग रहा है पढ़ने में, तो ये तो ज़बरदस्ती की बात हो गई। आप तो
गलती आपकी है कि आप बहाना ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसा कुछ मिले ताकि मैं बहाना बनाऊं रिदम ब्रेक होने का, ठीक है। आज भी आपके दो दिन पहले जो आपके पास बुक्स थे, आज वही बुक्स है, वही टाइम है, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाला फिर से नहीं है, लेकिन अब आप बहाना बना रहे हो कि भाई रिदम नहीं हो गया तो रिदम ब्रेक हो गया तो ये सब चीज़, ठीक है। तो वो सब बहाना है, ठीक है। जो पढ़ना चाहेगा वो पढ़ ही लेगा। और इवन अभी जैसे कि मैं शादी मेरे घर में थे, अभी मैं 20 दिन का गैप हुआ है मेरे रूटीन में, पता है, लेकिन मैं दो नोटबुक है मेरे पास, एक इंग्लिश का है एक मैथ्स का है, उसमें मैं जो इम्पोर्टेंट क्रक्स पॉइंट जो मुझे मिलते हैं वो मैं जमा करता हूँ उसमें, वो मैं वहाँ भी लेके गया था। तो कभी भी अगर मुझे टाइम मिल जाता था, बहुत कम मिलता था, तो वहाँ भी मैं पढ़ लेता। तो वही इंटेंशन की बात है, अगर आपको मन है पढ़ने का तो आप टाइम निकाल ही लोगे उसमें भी, ठीक है, तो वो बड़ी बात नहीं है। और अगर आप पूरी तरीके से डेडिकेटेड हो, लाइक सीजिल 2020 टीयर 2 आपको देना है, अच्छे से क्रैक करना है, तो अगले अगर डेढ़ महीने में की बात करूँ तो कुछ फिलहाल कोई बड़ा फेस्टिव सीजन वैसा तो नहीं है, तो मैक्सिमम 3-4-5 दिन का गैप हो सकता है मैक्सिमम, ठीक है। और इतने गैप से कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है। इसके अलावा भी जो टाइम है वो काफ़ी है, तो इसीलिए अगर ऐसा कुछ गैप आता है तो उसको माइंड मत करो। और ये और कोई ऐसे गैप जो आप खुद से क्रिएट कर देते हो, लाइक जो मैंने एग्जांपल लिया वो सब, तो उन सबको अवॉइड करने की कोशिश करो। लेकिन जो इनएविटेबल है, ठीक है, उसके लिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से वो एक तरह से खुद के लिए रिलैक्सेशन टाइम है, ठीक है, कि 15 दिन लगातार पढ़ा, चलो थोड़ा सा ब्रेक चाहिए माइंड, हाँ बस, तो उस लिहाज से उसको कंसिडर करो एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। भैया का 2017 सीजीएल में रुका सिलेक्शन, तो कारण तो आपको पता ही होगा, डीवी में रिजेक्ट हो गया, और इन्हीं के कारण इनका रीच बढ़ा, ये वायरल हुए 2018 में 12 लाख 1.2 मिलियन ना, फिर 18 में भी इनका सिलेक्शन रुका, 19 वाला 18 में मार्क्स की वजह से हुआ था, मतलब जो कट ऑफ था उससे 5 मार्क्स कम रह गया था, सो सैड। तो 18 में वो, उसके बाद फिर 19 वाला है, तो 19 वाला में तो कोर्ट स्टे लग गया है गाइस, आप लोग को पता ही होगा, और 20 वाला का भी जनवरी में होने वाला है, जनवरी में होने वाला है। तो भैया हाउ यू कोप अप विथ परिवार का जो प्रेशर है, रिलेटिव्स का प्रेशर है, ताना क्या हो रहा है, ताना एंड ऑल जिसको बिहार में बोलते हैं, स्पेशली ताना लोकल लैंग्वेज में, बताइए भैया। बहुत अच्छा क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए कुछ कुछ बात होती है जो दिल में दबी हुई होती है लेकिन बाहर नहीं निकलती है, लेकिन अच्छा क्वेश्चन पूछा शुभम ने। देखिए ये थोड़ा सा ऑब्वियस चीज़ है कि जब आप एक एज पार करते हैं तो आपसे एक्सपेक्टेशन ये की जाती है सोसाइटी के द्वारा, फैमिली के द्वारा, रिलेटिव्स के द्वारा, कि आप कोई धंधा पानी पकड़ो, कुछ जॉब वॉब करो, अर्न करो, कब तक पढ़ाई करोगे। तो अब जैसे मैं अपने बारे में बताऊं तो मैंने बीटेक वगैरह कुछ नहीं किया है, मैंने रेगुलर बीएससी किया है, और बीएससी अगर आप करते हो तो फिर मतलब वो भी जिस तरीके से मैंने किया है तो उसके बाद कोई ज़्यादा उसको बचता नहीं है फर्दर कुछ, उसके थ्रू आप कुछ जॉब नहीं पा सकते हो, आप एमएससी करो फिर पीएचडी वगैरह करो, वो सब अलग चीज़ है। तो बीटेक नहीं होने की वजह से या फिर कोई वोकेशनल प्रोग्राम में नहीं इनरोल करने की वजह से मेरे पास कोई डिग्री है नहीं, तो इसके वजह से मैं कोई जॉब नहीं ले सकता उस उन उनको इनके बेसिस पे। तो अब जो मेरे पास ऑप्शन बचता है वो यही कि मैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करूँ। तो मेरे पास आज से 4 साल पहले ही ऑप्शन था कि मैं या तो एसएससी की तैयारी करूँ या बैंक की या रेलवे की, तो मैंने एसएससी को चूज़ किया, उसका भी रीज़न है क्यों एसएससी को चूज़ किया। खैर तो हालांकि मैंने सोचा नहीं था कि इतना लेट लगेगा, और क्योंकि उसके पहले आज से अगर 5 साल पहले की बात करूँ तो एसएससी जिस तरीके से होता था तो काफ़ी फास्ट प्रोसेस था, इसमें भी 1.5 साल के अंदर ज्वाइनिंग हो जाया करती थी, तो ये सब देख के मैं आ रहा था। लेकिन जब से मैं आया हूँ तभी से एसएससी को पता नहीं क्या एसएससी पे ग्रहण लग गया है कि ज्वाइनिंग तकरीबन 2.5 साल में होती है, और 19 वाला तो और पता नहीं कितना आगे और जाएगा, तो ये सब तो चीज़ थी। लेकिन इसके अपार्ट जो इतने दिन में मैं अगर मैं फैमिली रिलेटिव्स के प्रेशर और तानों की बात करूँ तो मैं इस मामले में थोड़ा सा लकी हूँ कि मुझे ज़्यादा ताने सुनने नहीं पड़े, सब ने सपोर्ट ही किया है, क्योंकि सपोर्ट करने का रीज़न भी ये था कि सब लोगों के मैं सामने रहा हूँ हमेशा, और सब लोग देखते आ रहे हैं कि मैं कितना एफर्ट कर रहा हूँ, कितना मेहनत कर रहा हूँ। होता है ना कि अगर मैं मतलब मस्ती करते रहता, कहीं घूमते रहता, या फिर दोस्तों में व्यस्त रहता, लड़कियों में व्यस्त रहता, मौज मस्ती करने में रहता, तो फिर ताना मुझे सुनने को मिलते हैं। लेकिन सबको देख रहा था कि नहीं, मेहनत कर रहा है, काफ़ी क्लोज भी पहुँच रहा है, लेकिन लास्ट में नहीं हो पा रहा है, तो थोड़ा सिंपैथी सबके मन में है, तो ताने मुझे उतने सुनने नहीं पड़े। लेकिन अगर ताने सुनने पड़ते भी, फिर भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, और अगर इस बार भी नहीं हुआ तो अगले बार भी दूंगा, कि मेरे पास कोई ऑप्शन है नहीं, जब तक करना है तो सीजीएल ही करना, नहीं तो ऑप्शन। भैया तो इसमें हम एक शब्द बोलना चाहेंगे, एक लाइन बोलना चाहेंगे, बीइंग अ मिडिल क्लास फैमिली, स्पेशली हम लोग के एरिया में यूपी बिहार में,
यही एक ऑप्शन ही होता है लोग के पास क्या? बिल्कुल बिल्कुल। या तो जो हिंदी मीडियम के हैं लोग वो रेलवे, और हम लोग के जैसे जो है थोड़ा सा इंग्लिश आता है उनको, वो सीजीएल को फोकस करते हैं, एसएससी के एग्जाम को फोकस करते हैं। और देखिए ऐसा नहीं है, हालांकि आप गौर करते होंगे कि बहुत सारे लोग मतलब बीटेक वाले भी इस एग्जाम को देते हैं, बहुत सारे। इवन मतलब मैं आपको 2016 का डेटा बता रहा हूँ कि 2016 में तकरीबन 50% ऑफ द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स वेयर बीटेक होल्डर्स। ये सुन के शायद आपको थोड़ा सा डिमोटिवेटिंग आपको लगे, लेकिन ये फैक्ट है। और बहुत सारे लोग जो आईआईटी एनआईटी से पढ़ रहे हैं, पास आउट हैं, वो भी एसएससी का एग्जाम देते हैं, और मतलब जो टॉपर्स होते हैं वो, और रीजन बैकग्राउंड से होता है, हाँ, तो वो उनकी प्रायोरिटी है कि उनको एक स्टेबल जॉब चाहिए होती है, या थोड़ी रिस्पेक्टेबल जॉब चाहिए, ताकि वो जॉब करते करते भी पढ़ाई कर पाए, फर्दर एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर पाए, जो कि प्राइवेट में उनको नहीं ये फैसिलिटी मिल पाती है। ठीक है, और एसएससी सीजीएल के थ्रू जो जैसी जॉब लगती है उसको, उसके बारे में बताने की जरूरत नहीं। मिनी आईएएस कहा जाता है इसको। Indeed. तो अल्टरनेटिव तो है नहीं कि एसएससी छोड़ के आप बैंक करें या रेलवे करें, तो इससे बेहतर कुछ नहीं। उसके नीचे आपको अगर जल्दी ज्वाइनिंग चाहिए तो आप बैंक की तरफ जा सकते हैं, इंग्लिश आपका वीक है तो आप रेलवे की तरफ जा सकते हैं, लेकिन अगर बेस्ट की बात करूं तो एसएससी सीजीएल ही है। तो ये भी रीजन है कि और कोई ऑप्शन मैंने क्रिएट ही नहीं किया, और मतलब लोग नहीं ही करते हैं, मतलब सीजीएल में आ गए तो फिर अब कहीं और देखने की जरूरत है नहीं, तो बस यही है भैया। आप ऑलमोस्ट आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुका है क्या? हाँ हाँ। तो आपके पास बेटर ऑप्शन घर था, क्योंकि घर में आपको कुछ हाउस होल्ड कोर्स नहीं करना होगा, यहाँ तो आपको खुद से खाना प्रिपेयर करना है, एंड और कुछ कुछ काम हो जाता है बाहर रहने पे क्या? तो आप व्हाई डिड यू चूज टू स्टे इन पटना? इसका मल्टीपल रीजन है इसका। हालांकि सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न जो है वो बता देता हूँ शुरू में ही, कि अभी क्या था कि जो 2020 का टीयर टू था वो ध्यान में था, सोचा था कि वो एग्ज़ाम दे दूंगा उसके बाद फिर वापस चला जाऊँगा घर, क्योंकि घर में क्या है, घर मेरा थोड़ा छोटा है, जिसकी वजह से जो सेपरेशन चाहिए होता है पढ़ाई के लिए उसमें थोड़ा दिक्कत होता है। और घर में अगर आप हो तो कोर्स में इन्वॉल्व हो जाते हो, कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है, जिसकी वजह से तो सोचा था कि एग्जाम दे दूंगा फिर चला जाऊंगा, लेकिन अब सोचा कि अब नहीं जाऊंगा, रहना है बाहर ही। उसका रीज़न यही है कि अब क्या होता है ना कि अब वो हिम्मत जनरेट नहीं हो पाता है। लाइक 2019 के बारे में 15 फरवरी को डिटरमाइंड थे कि रिजल्ट आ जाएगा, काम खत्म हो जाएगा, मतलब सब कुछ क्लियर, लेकिन अब हिम्मत नहीं होता। अब होता है कि जब तक रिजल्ट आएगा नहीं तब तक अब घर जाके रहने का हिम्मत तो नहीं है। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगा अब तभी जाना, आते जाते रहना है, लेकिन जाके रहने वाला जो सिस्टम है वो अब रिजल्ट आने के बाद ही होगा। अब जब आए, 2 महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, जब भी आए, तो मेनली वो चीज़। और दूसरा कि एग्ज़ाम की वजह से पटना में था, और ऑब्वियसली यहाँ रहने से दिक्कत होती है, काफ़ी चीज़ें हैं जो फैसिलिटी घर में मिल जाता है, खाना वगैरह कोई टेंशन नहीं होता है, प्लस लोग हैं बातचीत करने के लिए, यहाँ पे वैसा ग्रुप मेरा बन नहीं पाता क्योंकि मैं थोड़ा सा हूँ रेटिसेंट टाइप का और इंट्रोवर्ट टाइप का, तो लेकिन ऐसा नहीं है कि घर में रहना चाहता नहीं हूँ, घर ही में रहना चाहता हूँ, और मेरा फर्दर प्लान है कि घर में ही रहूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जॉब ही फर्दर छोड़ने का प्लान है कि ताकि घर में रह सकूँ, लेकिन अभी कुछ वक्त के लिए थोड़ा सा घर से दूर रहना मतलब मेरे लिए भी अच्छा है, बेटर ऑप्शन है, बेटर ऑप्शन है, क्योंकि अभी वो जो क्वेश्चन की बौछार होगी ना, लोग पूछते हैं कि तुम्हारा तो हो गया था, कौन सा पोस्ट हुआ था, अच्छा नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्या अटक गया, क्या, मतलब क्वेश्चंस खत्म ही नहीं होंगे, मतलब एक अगर 5 क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चन पूछने वाले 100 लोग हैं, मतलब टायर 1 हो गया तो टायर 2 कब है, टायर 2 हो गया, रिजल्ट आ गया, अरे ज्वाइनिंग कब कर रहे हो, नेवर एंडिंग काइंड ऑफ थिंग। तो अब सब दूसरों के सवाल में अगर एड्रेस करता रहूंगा तो फिर अपने जो मेरे अंदर मन में जो क्वेश्चन है उनको डिस्कवर कब करूंगा, तो उसी लिहाज से अभी फिलहाल बाहर हूँ, लेकिन अल्टीमेटली जो आखिरी मंजिल है वो घर ही है। फर्दर विशाल भैया से मिलकर हम कुछ टिप्स लेते रहेंगे मेंस के लिए, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, शुभम भाई से मिलकर बहुत अच्छा लगा, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैं शेयर नहीं करता हूँ अपने चैनल पे, पॉसिबल नहीं होता है शेयर करना, वो कुछ बातें यहाँ करने का मौका मिला, तो थैंक यू शुभम फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, एंड विश यू ऑल द बेस्ट कि आप भी आपका भी एग्ज़ाम अगले महीने आप भी अच्छा परफॉर्म करो उसमें, और आप सबको भी ऑल द बेस्ट, और पॉसिबल हुआ तो हम लोग बीच बीच में मिलते भी रहे हैं कभी कभी फर्दर किसी भी तरह के डिस्कशन के लिए। और बात जाते जाते बस एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि देखिए कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, ठीक है, और इसमें क्या है कि आप कितना अच्छा पढ़ते हैं वो मैटर नहीं करता है, आप कितने लोगों से बेहतर हैं मैटर वो करता है। ठीक है, आप मान लीजिए 95% आप स्कोर कर रहे हैं और 95% ला के आप बहुत खुश हैं, लेकिन कट ऑफ अगर 96% चली जाए तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते, कोई औचित्य नहीं है आपके एग्जिस्टेंस का,
लेकिन अगर आप 42% ही ला रहे हैं और आप बहुत निराश हैं, इन कट ऑफ 40% गया तो आप सेलेक्टेड हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा, एक चीज़। और दूसरी चीज़ कि बहुत लोग कहते हैं कि सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, तो देखिए आपको बस अपने पूरे एफर्ट के साथ लगे हुए रहना है। हर एक इंसान की लर्निंग कैपेबिलिटी अलग होती है और सूनर और लेटर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, बस आपको लाइन में लगे रहना है। अगर आपको टिकट चाहिए तो आपको बस लाइन में लग जाना है, अभी या एक घंटे बाद या दो घंटे बाद आपका नंबर आ ही जाता है ना। अब वही आप फ्रस्ट्रेट होकर बीच में लाइन से निकल जाओगे, थोड़ा का चांस खत्म हो गया। तो बस लाइन में लगे रहो, एफर्ट करते रहो अच्छे से, कहीं ना कहीं हो ही जाएगा, इतना भी कोई टफ नहीं है, ठीक है। और बहुत लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कोशिश करेंगे, डिमोटिवेट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा अपने से दूर रखना है, उसको इग्नोर करना है, और बाकी इतना ही मुश्किल नहीं है एंड हो जाएगा। ऑल द बेस्ट। तो चलिए गाइज, करते हैं आज के ब्लॉग को यहीं एंड।